हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम फोर लूप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम फोर लूप से ही टेबल लिखने वाले हैं, यानी कि टेबल किस तरह से लिखा जाता है फोर लूप से, हम आज वो करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम फोर लूप की सहायता से टेबल लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हर बार की तरह यहाँ पर अपना हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होगा ही, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग में तो ये तो कॉमन ही है। यहाँ पर इंट मैन हो जाएगा और यहाँ पर हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का ही ले लीजिए कोई भी। और यहाँ से हम फोर लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहे हैं कि यहाँ पर ये स्पेस का रहना या ना रहना कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम फिर 5 का टेबल लिखना है। ए इज इक्वल टू 5 हम कर दिए, ठीक। ए को जाना कहाँ तक है, तो 15 तक जाना है 5, 10 times 15। और कैसे जाना है अब यहां पर ये बताना होगा। तो हमें जाना है a इज इक्वल टू ए प्लस 5। अगर 5 का टेबल लिख रहे हैं तो यहां पर 5 करना होगा, 6 का लिख रहे हैं तो यहां पर 6 करना होगा, यानी कि वो 6 के अंतराल पर, यानी कि 6 ऐड करते हुए वो आगे बढ़ेगा, यानी कि 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, इस तरह से कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहां पर हम प्रिंट ऑफ लगा देंगे परसेंट डी, और ए का वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम स्लैश टी लगा देते हैं, स्लैश एन लगा दें, बैक स्लैश एन लगा देते हैं, स्लैश और ब्लैक बैक बैक स्पेस बैक स्लैश, कुछ कंफ्यूजन रहता है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं रिटर्न, और यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम हो गया ख़त्म। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम फोर लूप में टेबल लिख सकते हैं, एक सिंपल टेबल। जैसे इससे भी अच्छा हम कर सकते थे, जैसे इनपुट देकर यूज़र से और अपने से ही टेबल बना सकते थे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है फोर लूप का, तो इस तरह से अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे चलिए रन करा कर देख लेते हैं। रन कराए, ये 5 का टेबल लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी टेबल फोर लूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें टेबल इंक्रीज करके लिखना, मतलब कुछ किसी और चीज़ का लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम 4 कर देते हैं, 4 10 times 14 हो जाएगा, और यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 का टेबल लिखा जाएगा, इस तरह से 4 का टेबल लिखा रहा है। तो इस तरह से हम फोर लूप की सहायता से कोई भी टेबल लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें 17 का लिखना है, यहाँ भी हम 117 दे देंगे और यहाँ पर 17। तो इस तरह से हमारा ये 17 का टेबल आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम फोर लूप की सहायता से कोई भी टेबल लिख सकते हैं, लेकिन ये होगा कि ये यूज़र डिफाइन नहीं होगा, प्री डिफाइन होगा। जैसे कि हम इसमें प्रोग्राम में ही डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कितना का टेबल लिखना है या कितना का नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम कर दिए 17 का लिखना है, यहाँ पर हम कर देंगे 7 का लिखना है, तो हमें यहीं पर डिक्लेयर करना पड़ रहा है। यानी कि हम यूज़र से नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी नंबर इंटर कीजिए और हम आपको टेबल दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, तो अभी हम इसी तरह चलते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल फोर लूप में लिख सकते हैं, ठीक, प्रिंट करा सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक और नए वीडियो में।